हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने टॉफ़ी के रैपर्स को टॉफ़ी से अलग कर लिया है। उसके बाद मैंने कुछ झाड़ू की सीखे ली और उसके ऊपर हरे रंग की ऊन को लपेट दिया है। फेविकोल की सहायता से हम इसे लगा सकते हैं। जब ये सारी सीख तैयार हो जाएंगी, उसके बाद मैंने एक बॉटल के नीचे का हिस्सा लिया है और उसे डेकोरेट कर लिया है। बॉटल को डेकोरेट करने के लिए मैंने सिल्वर गोटिका यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने सजाने के लिए टॉफ़ी के रैपर का यूज़ किया। उसको जिग जैग में लपेटा है और ये रेड कलर की ऊन से मैंने इसे बांध दिया। एक हमें बोसा तैयार करना है, जैसे टाई के ऊपर एक बो बनाते हैं वैसे ही। बस इसे हमें तैयार करने के बाद इस बॉटल के ऊपर इसे हम लगा देंगे। देखिए, हमारा बो तैयार है और मैंने इसे बॉटल के ऊपर लगा दिया। उसके ऊपर मैंने एक मिरर लगा दिया है। बॉटल का हिस्सा तो हमारा डेकोरेट हो गया है। बस अब उसके बाद जो हमने झाड़ू की सीखें तैयार की थी, उसके ऊपर हम ये जो हमने बो बनाए हैं इन्हें हम लगाएंगे। इन्हें हम तितली की शेप देंगे। तितली बनाने के लिए मैंने ऊन के हिस्से को उसके बीच में चिपका दिया है। देखिए, ये हमारी तितली बनकर तैयार हो गई। अब इन सारी बनी हुई तितलियों को हम झाड़ू की सीख के ऊपर चिपका देंगे। ये टॉफ़ी का गुलदस्ता बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। घर की वेस्ट चीज़ों से भी हम घर को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैंने हरे रंग की फॉर्म ली है जो फ्रेश फूलों के गुलदस्ते में नीचे की तरफ लगी हुई आती है। इसे मैंने कट करके इस बॉटल के अंदर इसको रख दिया है। देखिए, इस तरह से हम इसे रख देंगे और जो हमने सारी स्टिक तैयार की थी अब इसके अंदर हम लगा देंगे। जब हम कोई चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं तो उसके बनाने की खुशी अलग ही होती है। ये हमारा गुलदस्ता बनके तैयार है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा स्पार्कल लगा दिया जिससे ये और भी सुंदर लगने लगेगा। बस देखिए, हमारा गुलदस्ता तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।